आप सब हेल्दी खाना खाने का इम्पोर्टेंस तो जानते ही हैं, इसलिए खाना बनाने से पहले बर्तन पूरी तरह साफ है या नहीं वो भी देखते हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी आप जिस मेटल का बर्तन यूज करते हैं वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कुछ बर्तन गर्म होने पर उसमें से कुछ टॉक्सिक चीजें निकालते हैं जो खाने के साथ मिक्स हो जाती है और उस वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से टॉक्सिक बर्तन है और उसके अलावा दूसरा कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले देखते हैं कि टॉक्सिक कुकवेयर कौन से है। टेफ्लॉन कुकवेयर, बहुत लोग ये नॉनस्टिक कुकवेयर यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इजीली मिलता है और यूज करने में भी काफी आसान होता है। लेकिन ये टेफ्लॉन कुकवेयर से PTFE यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का कोटिंग किया होता है और ये प्लास्टिक पॉलीमर है जो 572 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हीट करने से टॉक्सिक रिलीज करता है। इस वजह से फीवर आता है जिसे टेफ्लॉन फ्लू कहते हैं और हेडेक होता है। टेफ्लॉन का टॉक्सिक लंग्स को ज्यादा डैमेज करता है। एल्यूमिनियम कुकवेयर एंड एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम बर्तन स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम भी पूरी तरह सेफ नहीं है यूज करने में। ये बर्तन कोटेड होते हैं पर ये कोटिंग ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती है, इस वजह से ये कोटिंग के टॉक्सिक मटेरियल्स खाने में जा सकते हैं। और अगर आप एल्यूमिनियम ऑयल में खाना बनाते हो तो वो भी ज्यादा डेंजरस होगा। जब आप एल्यूमिनियम फॉइल में खाना रैप करके कुक करते हैं तब फॉइल में से एल्यूमिनियम सब्सटेंस मिक्स हो जाता है और अगर आप उसमें नींबू का रस ऐड करते हैं तो और भी ज्यादा फॉइल ब्रेक होता है और खाने में मिक्स हो जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल सिर्फ कोल्ड फूड रैप करने के लिए बेस्ट है। कॉपर, कॉपर ऐसा मेटल है जिसके बर्तन पुराने जमाने से यूज कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कॉपर भी आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर कॉपर के बर्तन में एसिडिक खाना जैसे टमाटो की सब्जी बनाते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है। अब देखते हैं नॉन टॉक्सिक कुकवेयर कौन से है। सिरामिक कोटेड कुकवेयर, सिरामिक कुकवेयर खाना बनाने के लिए पूरी तरह सेफ है, लेकिन सिरामिक कोटिंग ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाती है और कुछ महीने के बाद टूट भी सकती है। इसको हीट करने से टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील, ये एक बेस्ट कुकवेयर है जो वेट में लाइट है, यूज करने में इजी और ज्यादा टाइम तक टिके रहे ऐसा है। इसमें निकल और क्रोमियम मेटल का मिक्सचर भी नहीं होता है इसीलिए ये यूज करना काफी सेफ है। ग्लास कुकवेयर, ये भी कुकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें खाना बनाने में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं होता है। ग्लास नॉन स्टिकी भी होता है, साथ ही इसको इजीली क्लीन भी कर सकते हैं जिस कारण कोई खाने की स्मेल नहीं रहती है ग्लास के बर्तन में। तो ये थे कुछ कुकिंग के लिए यूज किए जाने वाले कुकवेयर। आपको कौन सा कुकवेयर इसमें से बेस्ट लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।